तो फिलहाल एग्ज़ाम देने तो जा रही हूँ मैं। डर बहुत लग रहा है। भगवान प्लीज़ मेरे साथ रहना और मेरा साथ देते रहना हमेशा। बस जो मैं पढ़ के जा रही हूँ वही आए, उससे ज़्यादा ना आए, उससे कम ना आए, बस वही आए मैं चाहती हूँ इतना। कुछ भी नहीं पढ़ी हो यार, सुन के तो पढ़ा, कितना पढ़ा। चलो चलते हैं। मैम तेरे को क्या बोला था, खुशी कल आता ना साथ में बैठ के पढ़ेंगे लाइब्रेरी में, और तुम क्यों नहीं आई जरा बताना ऑडियंस को। नींद आ रही थी, आज भी आ रही है, पेपर का तो कुछ पढ़ा नहीं है। कॉलेज के टाइम में भी इसको नींद आएगी, तब कॉलेज नहीं आ पाएगी, एग्जाम के टाइम में बड़ी नींद आई हूँ। आज सोच रही थी पेपर कैंसिल कर दूँ अपना। ओ देख रहे हो, वाह सेमेस्टर कैंसिल कर देती हैं तो। ये तो महान व्यक्ति हैं, इनसे मिली है आप। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, तीन क्लास की दोस्त हैं मेरी। ये हमेशा ऐसे काम करती, उल्टे सीधे। ये पता मेरे लिए लाइए, ये अपने लिए खाने के लिए बोलेगी, मेरे लिए खाने के लिए लाइए नेपाल से, यही बोलेगी ये बस। खाने तो खुद मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बना के लेके आती, जबकि की रूम पे रहती है ये। ऐसे बोलेगी ज़िंदगी भर बनाऊंगी, लेकिन बना के कभी नहीं लाई होगी। तो फिलहाल अभी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे लोग बाहर खड़े हैं, एंड अभी गेट खुल जाएगा। तो इनने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, एंड इनको मैंने अभी टॉपिक भेजा है, एंड अभी ये पढ़ेंगे सिर्फ 5 मिनट में। देखते 5 मिनट में पढ़ के पास होती है नहीं होती है, बिकॉज इनने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो बिकॉज इन्हें पढ़ाई, झूठ बोल रही है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? बहुत बेकार, लेकिन सारी क्वेश्चन करके आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लगे। 14-14 मार्क्स में थ्योरी दे दी यार। वो करी तूने थ्योरी की? बना इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, भगवान सब आपके ऊपर है, मेरे को पास कर दो, बस इतना ही चाहती हूँ। तू तो पास हो जाएगी यार, ये रेगुलर भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा इसका, बट ये पास हो जाएगी कुछ भी कहो। अगर मैं फेल हो गई ना तो मैं इसको बहुत मारने वाली हूँ, बिकॉज तू पास हो गई तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। और 1 महीने की छुट्टी मेरी, ये पूरा घर में बिताऊंगी, फिर उसके बाद 1 महीने बाद यहाँ पे आऊंगी, एंड फिर हमारा फिर से कोर्स स्टार्ट होगा, फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगी, फिर से प्रेशर होगा, फिर से वही सारी चीज़ें। तो फिलहाल मेरा ये साल हो गया है ख़त्म। हमने सब लोग डांस करते हुए आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये लोग खेल के आ चुके हैं वॉलीबॉल, एंड ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एंड फिलहाल मैं कल चले जाऊँगी घर पे, एंड इसलिए ये लोग गाना गाएंगे, हल्ला करेंगे। ऐसा लग रहा है कि पूरा गैंग लेके चलते हैं ना लड़के लोग, सेम वैसा हमारी गैंग ही है फिलहाल। यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड है सिर्फ यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा है, आप जानते हैं उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री। मेरी जाते रायू मुस्कुराना तो गलत बात है, मैं तुझसे मिला बिना इनका था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था, मुस्कुरा खत्म हो चुके हैं, एंड ये लोग की एग्जाम अभी बाकी है। मेरा पसीना इनके गाल में लग गया, बिकॉज अभी डांस कर रहे थे ना इस वजह से, एंड आज लास्ट एग्जाम है इसलिए डांस भी कर लिया, थोड़ा एंजॉयमेंट भी कर लिया। मेरा लास्ट था ना, तुम लोगों का थोड़ा ना है लास्ट। तो फिलहाल मैं घर जाने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि घर जाने के लिए। वाह बल्ले बल्ले, वहाँ पे जाके काम ही तो करना, काम में एक्सपर्ट बनना। वही तो। हाँ दी, यू विल विश मी विश, आप मेरे को याद करोगे 1 महीने घर जाने के बाद। ऊपर जा रही है, फर्स्ट फ्लोर पर जा रही है, ग्राउंड फ्लोर से पूछा बेटा, आई हैव टेकन द रूम G26। अरे हाँ ग्रामीत है, वहाँ जा रही हूँ। इनको मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट फ्लोर में ले रही हूँ, बट मैं फर्स्ट फ्लोर में नहीं ले रही हूँ, यही फ्लोर में ले लिया। फाइनली से सब कोई और भी है जो उसका ध्यान रखेगा। कौन है? कौन है? कौन है? मेरे जासूस। ओह कौन है आपके जासूस? आपके जासूस भी है? सीखा 1 मंथ छुट्टी होंगी, याद करोगे? सीखा 1 मंथ छुट्टी होगी, तुम्हें भी याद करोगी? कितना याद करोगी? बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल जब यहाँ पे फेयरवेल हुआ था, ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए यूज हुई थी, एंड दीदी लोग ये डेकोरेशन का सामान रूम पे ले आए, एंड यहाँ पे सजा दिया। कितना प्यारा दिख रहा है अभी, ये अमेजिंग। अंजलि का मुँह आज पूरा लाल लाल हो चुका है, पूरा डांस कर करके।
अब मेरा बैग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मैसी हो गया बिकॉज मैं कल घर जा रही हूँ। इसका ऐसे ही रहता है, कभी इसका साफ नहीं रहता, ये ऐसे वही सो जाती है। झूठ, इसकी 24 घंटे मैं साथ रहती, इसने मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। तो दीदी ने जो कट बोला, कट 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 कट, दीदी को लाइन, दीदी की लाइन को कट। तो फिलहाल आपको पता ही, आज मेरा और आपका लास्ट दिन है यहाँ पे, रोना मत, इमोशनल। दिस इज बबलू एंड इसका नाम क्या है बताओ ना, इसका नाम क्या है? देख शादी हो रही है, इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम बिट्टी। हाँ, बिट्टी 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 और बबलू, बिट्टी और बबलू की जोड़ी, बिट्टी और बबलू की शादी हो गई। चलो शादी हो गई, इनके बच्चे एक ये है और ये है। हेलो, हम दोनों की शादी करवा दी है तुमने? तो क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? हम तो रोमांस कर रहे थे, क्यों आ गए बीच में? ये देखो मैं भी आ गया, हम दोनों खुश हैं। ये हमको जुदा मत करो, हमको जुदा मत करो, ऐसे मत मारो मेरे को, ऐसे मत मारो। मैं तो अकेले रह गया। तू अकेले रहना चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, अकेला मत करो ना, हम दोनों को साथ में ले जाओ ना। अरे आराम से यार, मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। अरे यार क्या गुस्सा हो जाएगी? ठीक है, मैं और हमारे दो छोटे छोटे क्यूट बेस्ट फ्रेंड। तो इसका नाम है बबलू और इसका नाम है चिंटू। नहीं नहीं, इस लड़की का नाम भी कुछ रखो यार। बिट्टी। हाँ बिट्टी। तो बबलू एंड बिट्टी को हम दोस्ती करवाते हैं। हेलो करो, हेलो। नॉट इंटरेस्टेड, कुत्ते भाग यहाँ से। अरे तो हम दोनों पारी कर रहे हैं। तो ये दोनों पारी कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग? अब इन दोनों को हम जुदा कर लेंगे। अभी तो हाथ मिला था बेचारों ने, अभी पा भी करवा दिया इन्होंने, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल मेरी आवाज काम नहीं कर रही बिकॉज मैंने इतना चिल्लाया वहाँ पे, क्योंकि लास्ट एग्जाम था। मैंने सोचा चलो डांस कर लेते हैं एंड सडनली गाना बजा दिया लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने इतना हल्ला किया, सब लोग हमको देखने लगे, यार ये लोग कितना हल्ला करते हैं, इनका ग्रुप ही इतना हल्ला करता है। तो क्या करें, एग्जाम खत्म हो गए हैं, हल्ला तो करेंगे ना भाई, समझे? करें बात को।